महाराष्ट्र के टिटवाला बलियानी परिसर में एक बड़े गड्ढे में डूबने से दो किशोरों की मौत होने की घटना सामने आई है। पुलिस ने शवों का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए कल्याण के रुक्मणी बाई अस्पताल में भेज दिया है। टिटवाला के नजदीक बलियानी नादप गांव के गायत्री सोसाइटी के दो बच्चे स्कूल से आने के बाद खेल रहे थे, इसी समय पास ही खेत में बने एक बड़े गड्ढे में जिसमें कि बारिश का पानी जमा हुआ था उसमें नहाने के लिए चले गए। गहराई का अंदाजा न होने के कारण दोनों बच्चे पानी में डूब गए। पता चलने पर उन्हें नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। फिलहाल टिटवाला पुलिस ने मौके का मुआयना करके अपनी जाँच शुरू कर दी है। वहीं लोगों के मुताबिक यह गड्ढा चाल माफिया और मिट्टी माफिया ने खोदने की वजह से बड़ा गड्ढा होने के कारण इस गड्ढे में बारिश का पानी भरा था जिसमें इन दो नन्हे बालकों की जान चली गई। सर, बलियानी परिसर में दो बच्चे डूब के उनकी मौत हो गई है, क्या पूरा मामला है? बलियानी के पास नांदब गांव है, नांदब गांव के एरिया में जो बलियानी टिकड़ी से ऊपर से पानी आके छोटे मोटे खड्डा बन गई है पानी के, तो बच्चे स्कूल एलएन स्कूल है, एलएन स्कूल के दो बच्चे मयंक सुनील शर्मा और पीयूष पाठक, उनकी उम्र है 12 से 13 साल की उम्र है, सातवीं कक्षा में पढ़ते हैं। वो स्कूल से घर जाते वक्त वो पानी में शायद खेल रहे थे या उसका खेल उसको पानी का उनको अंदाज नहीं आया और वो दोनों डूब गए, तो उसका इंक्वायरी कर रहे हैं कि उसके में कुछ कंप्लेन मिलता है या कुछ उसको खोदा गया है, नेचुरल है, जैसा उसका आगे इन्वेस्टिगेशन होगा वैसा एक्शन लिया जाएगा।